हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छी तबीयत से हो और मैं भी यहाँ बहुत ही बढ़िया हूँ। आज लेके आई हूँ आपके लिए एडिबल राखी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट और व्हाइट कंपाउंड। ये दोनों चॉकलेट्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेरी मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चॉकलेट आप ले लीजिए और इस तरह से आपको इसको काट लेना है। ये रूम टेम्परेचर पे है इसलिए इजीली कट रहा है फ्रेंड्स। और चॉकलेट हमेशा आप फ्रीजर में ही स्टोर करें, ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है और फ्रेश रहती है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इवनली मेल्ट हो जाए। इस तरह से आपको चॉप कर लेना है। फिर ये कांच का बाउल ले रही हूँ फ्रेंड्स और इसमें मैं डाल दूंगी मैं सारे चॉकलेट्स को। हम चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाले हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव में इसे 30 सेकेंड्स के लिए रखूंगी। फ्रेंड्स चॉकलेट्स बहुत डेलिकेट चीज होती है तो इसको आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, 30 सेकेंड्स में ये मेल्ट हो जाएगी। तब तक के लिए मैं यहाँ सिलिकॉन मोल्ड्स ले रही हूँ। ये कपकेक्स के मोल्ड्स है, मफिन्स के मोल्ड्स है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और ग्रीस कर दूंगी। वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं हमेशा ग्रीस कर लेती हूँ टू बी ऑन सेफर साइड। और ये सिलिकॉन कप्स भी एकदम अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो देखिए 30 सेकेंड्स हो गए हैं, मैंने निकाल दिया है और चॉकलेट को आपको अच्छी तरह से स्टियर कर लेना है। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रखेगा अदरवाइज आपकी चॉकलेट जल सकती है। तो इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से आप व्हाइट चॉकलेट को भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो चॉकलेट आप लेके इस तरह से आप इसे मेल्ट कर दें। और घर पे भी आप चॉकलेट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो शेयर करूँ तो प्लीज मुझे उसके लिए कमेंट करें। तो इस तरह से कपकेक्स के मोल्ड्स के अंदर मैं इस तरह से चॉकलेट डाल दूंगी। हमें सिर्फ इसके तले के लिए ही चाहिए। एक्चुअली हम राखी का बेस बना रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से आपको टैप कर लेना है एक एक चम्मच चॉकलेट डालने के बाद। और इसको अब आप फ्रीजर में रख दे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तब तक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये वाला मोल्ड्स, चॉकलेट मोल्ड्स है। इसमें सारे अलग अलग तरीके के डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कार है, टेडी बेयर है, लीगो ब्लॉक्स है। तो इस तरह से मैं यहाँ व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों ही मिक्स करके डाल रही हूँ। ये हम राखी के लिए यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चॉकलेट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, उसके टुकड़े भी आप जैसे चाहे उस तरह से सजा सकते हैं। मोल्ड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे इसको फिल कर लिया है और इसको भी आप इस तरह से टैप करते जाइए और इसको भी आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि ये हमारी जो चॉकलेट है वो सेट हो जाए। तो इस तरह से टैप करने के बाद इसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। तब तक मेरे ये जो चॉकलेट्स है ये तो सेट हो चुके हैं। देखिए कितने इजीली निकल रहे हैं और कितनी अच्छी शाइन भी आई है ये देखिए। और हमारा जो राखी का बेस है वो रेडी है। इसी तरह से मैंने व्हाइट चॉकलेट का भी कर दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया है। और ये जेम्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। हम यहाँ मोती वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ जेम्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कलरफुल भी होती है और सबको पसंद आती है। आपको क्या जेम्स खाना पसंद है? कौन सी भी उम्र में किसी को भी चॉकलेट खाना पसंद है, प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें कि आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट कोई भी कलर लगाने हैं, जैसे मैं यहाँ पर्पल और रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ कोई ग्लू नहीं यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट को ही एज अ ग्लू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एडिबल राखी है, पूरी राखी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको डेकोरेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो डेकोरेट हो गया और हमारी ये चॉकलेट भी सेट हो गई है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। मोल्ड से बहुत ही आसानी से निकल जाती है फ्रेंड्स, ये मोल्ड बहुत काम आती है। आप वैलेंटाइंस डे या बच्चों के लिए इस तरह से चॉकलेट भी घर पे बना सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ, आप कोको पाउडर, थोड़ा सा दूध और बटर डाल के भी घर पे चॉकलेट बना सकते हैं और इस तरह से मोल्ड में सेट कर सकते हैं। थोड़ा शुगर भी ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे ये जो चॉकलेट्स हैं वो रेडी हैं। तो इसमें मैं अब ये यूज़ करने वाली हूँ, कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी अब ये कार शेप। तो
तो ये कार शेप को आप इस तरह से स्टैंडिंग लगा सकते हैं या इस तरह से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टूथपिक लूंगी और इसको थोड़ा हाइलाइट्स करूंगी मैं कार को। तो इसके जो पहिए हैं उसके ऊपर मैं ये थोड़ा ब्राउन डार्क कलर की चॉकलेट लगा रही हूँ, इस तरह से थोड़ी सी कार को हाइलाइट्स दे देंगे हम इस तरह से, तो इससे इसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको हाइलाइट्स करना है आपकी कार को या जो भी आपके पास है। अब मैं यहाँ सेटन रिबन ले रही हूँ फ्रेंड्स, आपके पास अगर सेटन रिबन नहीं है तो आप जो भी धागा आपके पास अवेलेबल हो वो धागा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सेटन रिबन के ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम यहाँ कोई ग्लू का यूज़ नहीं कर रहे, तो चॉकलेट ही हमारा ग्लू है। तो इस तरह से आपको रख देना है जो चॉकलेट का बेस है उसको सेटन रिबन के ऊपर, और ये जो कार है इसके पीछे भी आपको चॉकलेट लगा देनी है। एज अ ग्लू हम यूज कर रहे हैं यहाँ, और इसको आपको सेंटर में स्टिक करना है। आप वर्टिकल रखिए, आप इस तरह से रखिए, जैसे आपको रखना है उस तरह से रखिए। इसे सेट होने देते हैं। सेट होने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है हमारी राखी। बच्चों को ये राखी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, पूरी एडिबल राखी है सेटन रिबिन को छोड़ के। ये राखी बड़ों को भी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ये राखी ट्राई करिए। तो देखिए मेरे बच्चों ने तो इसे इस तरह से ट्राई भी कर लिया है, और मेरा बेटा जो है वो तो खाने के लिए एकदम लाइक कि मम्मा जल्दी से दे दो, इतनी यमी और टेस्टी राखी अगर आप बनाओगे तो रक्षाबंधन तो स्पेशल होगा ही। लॉकडाउन में बाहर की राखी ना खरीदे, इस तरह से घर पे ही राखी बनाए और सेलिब्रेट करें रक्षाबंधन। कैसी लगी ये राखी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।